टिहरी जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में अवैध शराब और चरस तस्करी के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। एसएसपी अग्रवाल ने बताया कि मुनि की रेती थाना और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट यानी CIU की टीम ने शिवपुरी क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन से 25 पेटी अवैध शराब बरामद की। इस मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब के नेटवर्क से जुड़े मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। पर देहरादून स्थित एक गोदाम में छापा मारा गया, जहां पर बड़ी संख्या में फर्जी होलोग्राम और लेबल्स मिले हैं, और इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि ये लोग पंजाब, हरियाणा अन्य राज्यों से शराब लेकर आते थे और यहां पर उत्तराखंड की लेबलिंग करके उसको अलग अलग स्थानों पर बेचते थे। तो एक ये बड़ी सफलता हमारी टीम को हासिल हुई है, इसमें एक्साइज एक्ट में और साथ ही BNS की संबंधित धाराओं में भी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया। वहीं तपोवन क्षेत्र से पुलिस ने 830 ग्राम चरस के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी उत्तरकाशी और टिहरी के रहने वाले हैं। SSP ने बताया कि आरोपी लंबे समय से चरस लाकर होटलों में छोटे पैकेटों में बेच रहे थे। ये दोनों तपोवन एरिया में होटल रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं और इनके द्वारा बताया गया है कि ये उत्तरकाशी और अन्य जनपदों से लेकर आते हैं और जो तपोवन में रेस्टोरेंट्स वगैरह में सप्लाई करते हैं, तो हमारी टीम के द्वारा इनको पकड़ा गया है और NDPS एक्ट में मुकदमा पंजीकृत करके माननीय न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत किया जा रहा है।